नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच हालात बद से बदतर हो चले हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जंग का यह 8वां दिन है और यूक्रेन में तबाही जारी है। कीव में नजदीकी इमारतों की उड़ाई गई है धज्जियां और इसी के साथ ही 15 शहरों पर रूस के हवाई हमले का अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, रूसी मिसाइलों के हमले से बस्तियां तबाह हो गई हैं, यूक्रेन की बुरी हालत है। इरपिन की तरफ से कहा गया कि एक भी मकान सही सलामत यूक्रेन में नहीं बचा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 15 शहरों पर रूस के हवाई हमले का अलर्ट जारी हो चुका है और बता दें आपको कि यूक्रेन की राजधानी कीव में 2 बड़े धमाके अब तक हो चुके हैं और हमले में अब तक कुल 752 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 3 स्कूलों पर भी मिसाइल से हमला किया गया। खेरसन पर रूस का कब्जा हो चुका है। आपको बता दें, इसकी पुष्टि भी आधिकारिक तौर पर की जा चुकी है। खुद यूक्रेन ने माना कि खेरसन पे रूस का कब्जा हो चुका है। साथ ही आपको बता दें, यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जवाबी हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है, दावा किया गया है कि रूस के 30 विमानों को मार गिराया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेनी सेना डटकर सामना कर रही है। कीव के नजदीक इमारतों की धज्जियां रूस की तरफ से उड़ाई जा चुकी है। आपको बता दें, लगातार बमबारी तेज हो चुकी है और अलर्ट भी जारी किया गया है। 15 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। एयर स्ट्राइक का अलर्ट यूक्रेन में जारी है और लगातार जो हम नजर बनाए रखे हैं और यूक्रेन से जो अपडेट सामने आई है, उसके अनुसार 15 शहरों पर इस वक्त रूस के हवाई हमले का अलर्ट जारी है। यूक्रेन से इस वक्त की ताजा खबर आपको बता रहे हैं कि राजधानी कीव में 2 बड़े धमाके हुए हैं और इसी के साथ ही सभी इमारतें लगभग क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। यूक्रेन हमले में अब तक 752 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच 3 स्कूल पर भी मिसाइल से हमला किया जा चुका है रूस की तरफ से। यूक्रेन में इस वक्त स्थिति बेहद खराब। खेरसन पर रूस के कब्जे का खुलासा किया गया है और इसी के साथ ही आपको बता दें, जंग का आज 8वां दिन है, जहां यूक्रेन में भारी तबाही इस वक्त मची हुई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, यूक्रेन के खेरसन पर हमला किया गया है और निकोलेव में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 30 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। रूस के 31 हेलीकॉप्टर्स भी मार गिराए गए और इसी के साथ ही रूस के 211 टैंक मार गिराए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से जो सेना है, लगातार सामना कर रही है रूस की सेना का और हमलों की जवाबी दिया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है हमलों का। और इसी के दौरान राजधानी कीव से भी जुड़ी खबर सामने आई है, यूक्रेन की कोई जो इमारत है वो सही सलामत नहीं, सभी इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। और इसी के साथ ही खारकीव से मामला सामने आया कि 3 स्कूलों पर बमबारी की गई है। यूक्रेन ने खारकीव पर रूस के कब्जे का भी यहां पर ऐलान कर दिया है, पुष्टि कर दी है इस बात की। निकोलेव में भी हवाई फायरिंग को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है, 8वां दिन है, लेकिन यूक्रेन में तबाही लगातार जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच आज क्वाड देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। भारत के अलावा इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में रूस और यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और निष्कर्ष के तरफ भी बात की जा सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। मंत्री सूर्य प्रताप से जुड़ी यह खबर सामने आई है इस वक्त की। आपको बता दें, यूपी में चुनाव जारी है, 6ठे चरण के मतदान आज किए जा रहे हैं, जहां पर इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आई कि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मतदान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर वोट डाला है। सूर्य प्रताप शाही ने मतदान कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि पथरदेवा में पकहा बूथ पर उन्होंने मतदान किया है और पथरदेवा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सूर्य प्रताप शाही, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर मतदान किया। और इसी के साथ ही पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने जनता से वोट करने की भी अपील की है। आपको बता दें, आज 6ठे चरण के चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में।
आखिरी चरणों की तरफ उत्तर प्रदेश चुनाव बढ़ चुके हैं, अब एक ही चरण के चुनाव शेष बचे हैं। और इसी बीच अगर पहले के मुकाबले देखा जाए तो मतदान कम हो रहे हैं, इसी वजह से लगातार ये अपील की जा रही है देश के दिग्गज नेताओं की तरफ से और प्रत्याशियों की तरफ से भारी मात्रा में जाकर मतदान जरूर करें। और इसी बीच छठे चरण के चुनाव के दौरान पथरदेवा में सूर्य प्रताप शाही ने मतदान किया है, और आपको बता दें अपने परिवार के साथ जाकर उन्होंने मतदान किया है। रूस ने अपने पड़ोसी यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला करना शुरू किया। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन में करीब 20,000 लोग फंस चुके हैं। इनमें से अधिकांश वो हैं जो वहां पर पढ़ रहे छात्र हैं। इनमें से 2,501 लोग उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। इसमें से 227 लोगों की अब तक वतन वापसी हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन में फंसे भारतीयों की बात की जाए तो उनकी स्थिति इस वक्त खराब है। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। इस दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास भी निरंतर किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूक्रेन से वापस आए लोगों को घर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो लोग यूक्रेन में फंस गए हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें केंद्र तो कुछ ने सीधे प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए नंबर्स पर संपर्क कर मदद भी मांगी गई, लेकिन राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया है कि सभी की सकुशल वापसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय को कंट्रोल रूम से जिन 2,501 लोगों की जानकारी जुटाई गई है उसे विदेश मंत्रालय से साझा किया गया है, जिससे सबको सुरक्षित वापस लाया जा सके। यूपी राज्य आपदा कंट्रोल रूम से यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया और इन तमाम जगहों पर स्थित भारतीय दूतावास के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है। ये नजर इसलिए रखी जा रही है ताकि वहां से किसी भी प्रकार की एडवाइजरी को तत्काल पीड़ित स्टूडेंट्स और अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को माफियावाद बनाम विकासवाद का चुनाव बता दिया है, और यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन वाली योगी आदित्यनाथ सरकार 300 से अधिक सीटों पर भव्य विजय के साथ सरकार बनाने जा रही है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के चंदौली और जौनपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव माफियावाद और बनाम विकासवाद का चुनाव है, भ्रष्टाचार बनाम पारदर्शी सरकार का चुनाव है और गरीबों से लूट बनाम गरीबों को सशक्त बनाने का चुनाव है। अमित शाह ने दावा किया है कि अब तक 5 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और चुनाव में ही यूपी की जनता ने सपा, बसपा और कांग्रेस का पूर्णतः सफाया कर दिया है। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि सपा बसपा सरकार में जिस मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान की तूती बोलती थी, आज ये माफिया जेल की सलाखों के पीछे अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं, और अगर इन्हें जेल में ही रखना है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनानी होगी। और इसी बीच बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें सपा आरएलडी की तरफ से एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आई है यूपी चुनाव से जुड़ी। आपको बता दें चलें कि सपा और आरएलडी की संयुक्त जनसभा होने जा रही है। यूपी में छठे चरण के मतदान जारी हैं और इसी बीच अब अंतिम पड़ाव पर यूपी चुनाव आ चुका है और अब सातवें चरण में सपा और आरएलडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें यह आखिरी मौका होने जा रहा है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त रैली यहां पर होगी और जल्द ही सातवें चरण के लिए प्रचार भी थम जाएगा। छठे चरण के प्रचार चुनाव जो है वो जारी है और इस दौरान आपको बता दें पूरी ताकत झोंक रही है तमाम पार्टियां। शिवपाल यादव, ओपी राजभर भी इस संयुक्त जनसभा में हिस्सा लेंगे, मौजूद रहेंगे। सपा आरएलडी की संयुक्त जनसभा आज होने जा रही है, सातवें चरण के लिए प्रचार होगा यहां पर। और आपको बता दें कि इस दौरान सातवें चरण में सपा और आरएलडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यह आखिरी मौका है प्रचार का जहां पर सातवें चरण के प्रचार अब हो रहे हैं जो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी एक संयुक्त जनसभा यहां पर करने जा रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस बार संयुक्त जनसभा में हिस्सा लेंगी। आपको बता दें कि शिवपाल यादव और ओपी राजभर भी इस संयुक्त जनसभा में मौजूद रहेंगे और पार्टी के लिए प्रचार किया जाएगा। पूरी की पूरी ताकत यहां पर झोंक दी जाएगी। आपको बता दें कि सातवें चरण के लिए प्रचार के लिए ये रैली होने जा रही है, संयुक्त जनसभा है ये,
सपा और आरएलजी की, जिसमें कई दिग्गज आज मंच पर एक साथ नजर आने वाले हैं, जो अपनी पार्टी के लिए जो प्रचार करेंगे और मतदान की अपील की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी सपा और आरएलजी की संयुक्त रैली का हिस्सा बनेंगी। आपको बता दें, इससे पहले भी ममता बनर्जी अखिलेश को समर्थन की पुष्टि कर चुकी हैं, एक साथ एक जनसभा भी संबोधित कर चुकी हैं और एक बार फिर ममता बनर्जी यूपी पहुंचेंगी, जहां पर सपा और आरएलजी की एक संयुक्त जनसभा में ममता बनर्जी मौजूद रहने वाली हैं। तो वहीं बात करेंगे यूक्रेन के हालातों की, तो यूक्रेन पर रूसी हमले के 8वें दिन भी रूस की सेना ने कई शहरों के रिहायशी इलाकों में बमबारी तेज कर दी है। कीव और खारकीव, बूका और इरपिन शहर में कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गईं। लोग खौफजदा होकर देश छोड़ रहे हैं। रूस की मिसाइलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। 7 दिनों से हो रही मिसाइली हमलों में हजारों लोगों की जान गई, तो वहीं कई लोग घायल भी हो चुके हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में पड़ रही ठंड परेशानी और बढ़ा देती है। दरअसल यूक्रेन में फिलहाल तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे है। यूक्रेन में बन रही स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी हो रहा है। 5 लाख से ज्यादा लोग यूरोपीय संघ के देशों या फिर किसी और देश में शरण ले चुके हैं। मंगलवार को रूसी सेना ने राजधानी कीव में मुख्य टीवी टावर को निशाना बना दिया है। इसके हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और कई टीवी चैनलों का प्रसारण प्रभावित हो चुका है। यूक्रेन के गृह मंत्री ने भी इसकी जानकारी दी और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ट्वीट कर कहा गया कि रूसी सेना ने वेबिनार में मेमोरियल कॉम्प्लेक्स के नजदीक टीवी टावर पर हमला किया है। रूसी अपराधी अपनी बर्बरता से बाज नहीं आ रहे। रूस बराबर बर्बर। टीवी टावर हाउस ओब्रहोच में मेट्रो स्टेशन से काफी करीब है, जहां पर सैकड़ों लोग सबवे में पनाह लिए हुए मौजूद हैं। ऐसे में आपको बता दें, यूएनएचसीआर ने पहले ही अनुमान लगाया था कि यूक्रेन से 40 लाख लोग पलायन कर सकते हैं, लेकिन एजेंसी अपने पूर्वानुमान का जो है मूल्यांकन करेगी और ताजा आंकड़े दर्शाते हैं कि आधे से अधिक यानी कि करीब 4,54,000 लोग पोलैंड और 1,16,000 से अधिक लोग हंगरी पहुंच चुके हैं। ऐसे में 79,300 ने मालदीव में शरण ली है और आपको बता दें कि कुल 69,000 लोग अन्य यूरोपीय देश पहुंचे हैं। तो वहीं करीब 67,000 लोग ऐसे हैं जो स्लोवाकिया का रुख कर चुके हैं। और विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन गड़बड़ी होने की आशंका जताते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लोगों से निगरानी रखने के लिए एक दिन पहले मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देशों का एक बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, जिससे बदलाव जरूर आएगा। बागपत के बड़ौत पहुंचे टिकैत ने यह भी कहा कि जिला पंचायत में जो किया गया था उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतगणना शुरू होने से पहले एक दिन पहले ही मतगणना केंद्रों पर पहुंचे और मतगणना स्थलों पर ट्रैक्टर के साथ डेरा डाले। उन्होंने लोगों से 9 मार्च को अपने कपड़े और बिस्तर के साथ पहुंचने के लिए कहा है। यह दावा भी किया गया कि 10 मार्च को जनता को वहां जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले साल राज्य में हुए जिला पंचायत चुनाव में विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया था। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की फसलें भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दी जाएं, तो हमारा गन्ने का भुगतान भी हो जाएगा। हम जिस बेल्ट में हैं, एक साल से गन्ने का भुगतान वहां नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव के दौरान भुगतान 10 दिन में या 15 दिन में भी हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये है कि सरकार जब चाहे भुगतान करवा सकती है। अगर चुनाव हर साल हो तो गन्ने का भुगतान भी हर साल हो सकता है। देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, उससे कुछ बदलाव जरूर हो सकता है।